हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत? नंबर भी दीजिए कि डाल देते हो यार, बड़ी गलत है। नए टॉपिक पे बात करोगे तो नंबर तुम्हारा अनब्लॉक कर देंगे। नए पे तो बात करिए, मैं तुमसे तकनीक पे बात करिए। मैं पहले चलो, मैंने वो छोड़ दिया रगत दौड़ाने वाले, अभी वो तो तुमसे बता ही नहीं। वो हमने बता दिया 6 बार और 6 के 6 वीडियो अपलोड है। अब कोई दूसरा टॉपिक पे बात करो। वो तुमने झूठ बोला, वो डंडी मारी उसने। वो मेरे भाई जो पब्लिक है फैसला कर लेगी, कोई दूसरा टॉपिक। तू बहुत ठूक रहे, मैंने अबू जमील साहब को सुनाई तो वो दूसरा टॉपिक बताओ भाई, दूसरा टॉपिक। वो तो मैंने बात कराई, मैंने सुनाई ना उन्हें, तो बोले यार ये तो बाजारों जुबान से बात ही क्यों कर रहा हूँ अबू जमील साहब। मुकल्लिद झूठा होता है, मक्कार भी। अरे यार तो उनकी सुनवाऊँ तो फिर मैं। हाँ सुनवा देना। हाँ तो मैं अभी भेज दूँ ऑडियो। मैंने कही ना, मैंने अबू जमी साहब मतलब कहने का, ये तो अप्पू खान कहना है कि जो जिसने रुकू पाया उसे रकत नहीं मिलेगी। तो आप कह रहा हो जिसने रुकू पाया रकत मिल जाएगी। मैंने किसे कहूँ, बोले वो बाजारों जुबान है, उसकी बात मत करो। वो तो बहुत दलील आदमी, उसने ये कह दी। मुकल्लिद पक्का झूठा साबित हो गया। अरे यार तो मुकल्लिद किसे कहते हैं? अगर ऐसी ऑडियो तुमने पेश कर दी तो 1000 रुपए का नगद इनाम तुमको देंगे। हाँ अरे 1000 डालो तुम, जुआरी तो होई। 1000 रुपए की बात। तुम जो लेडीज टेलर हो, औरतों के कपड़े सिलते हो, नाप उनके ले लेके औरतों का पेटीकोट बनाते हो, ब्लाउज बनाते हो, तो दो बॉडी के टेलर हो, दूसरों को कैसे जुआरी? अरे वो इनाम देंगे तुमको, सच बोलने पे। अगर सच्चे तो साबित करो। इनाम देने में जुआरी होते हैं। अच्छा, इनाम देने वाले जुआरी होते हैं? तुम जुआरी यानी कि मेरे भाई जितने भी विदेशी बरेली लोग कहते हैं कि भाई 20 रकात तरावी तो सही साबित कर दो तो 20 लाख का इनाम, सीने को हाथ बांधना सही साबित कर दो तो 5 लाख का इनाम, यानी कि तमाम बरेली वो सबके सब मेरे भाई जुआरी साबित हो गए। चलो भाई टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक बात करना है? मुकल्लिद किसे कहते हैं? आज तेरी इससे कहना, आज तेरा इससे बाजा बजाऊंगा। मुकल्लिद कहते हैं जाहिल को। अरे यार तो तू भी तो जाहिल है, तू भी तो मुकल्लिद है, उनकी तकलीफ कर दिया था। साबित करो किसके मुकल्लिद है? जो तूने भी ऑडियो सुनवाई थी ना, ऑडियो की मुकल्लिद है ना, तू भी तो मुकल्लिद है। यानी कि ऑडियो को आपने माशाल्लाह अपना नाम बना दिया। तकलीफ कर दिया था ना, तकलीफ कर दिया था ना, ये बता मुझे भाई। हंजियों का उसूल है जो मुझे तहिद की होती है। ऑडियो सुनवाई, ऑडियो सुनवाई तो तूने तकलीफ करी ना, उनको भरोसा करा बिना दलील को बात मान ली। अरे तो उन्होंने तो दलील दी है ना, सही बुखारी के हदीस नंबर 756। तूने तकलीफ, तूने उसकी तहकीक की? ये तो बच्चा भी रोने लगा तुम्हारी बकवास सुन के। बिल्कुल उसने कुरान के, सॉरी, बच्चा भी रोने लगा तुम्हारी बकवास सुन के। जिसने तूने जिसकी तूने तकलीफ की उन्होंने बिल्कुल तूने तहकीक की। अच्छा चलिए ये बताइए हमें, आपको कौन सा टॉपिक की बात करनी है? टॉपिक बताइए, सुकून से बात की। टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं भाई, मैंने लोग बदल दिया। देखो ज्यादा बोलने से हक नहीं साबित हो जाएगा। मैंने अबू खान कम बोलो लेकिन सच बोलो। तुम कह रहे हो मुकल्लिद जाहिल होता तो तुमसे बड़ा कौन जाहिल है? उनका इजमा है, इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता। और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। दुनिया में कोई मुकल्लिद नहीं है, सब गैर मुकल्लिद। तुम खुद मुकल्लिद नहीं हो, तुम खुद गैर मुकल्लिद हो। हम तो इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं। हाँ तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माए अपने बच्चों को 2.5 साल दूध पिलाएं, और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 में कि माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। अल्लाह ताला कह रहा है 2 साल तुम्हारे मान करे, 2.5 साल बताओ किसकी मानोगे? अल्लाह की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे? अरे अल्लाह की मानो क्या क्या दलील है? तू हमने बात क्यों ला रहे? चल बता दे, बताइए अपने इमाम की मानेंगे या अल्लाह की मानेंगे? अरे ये बता, तेरी बात क्या दलील है? तू हमने बात क्यों ला रहे? बता, वो सब हम बाद में बताएंगे ना। मेरे सवाल का जवाब दो, भाग के हाल टाइट हो गई। अभी तो इमाम आजम के तुम मुकल्लिद थे, क्या वो हाल टाइट हो गई? दलील है तेरे बात क्यों? तुम गैर मुकल्लिद बन गए ना। ये बता तू अपने बाप की औलाद है, क्या दलील है तेरे पास? भाई तुम तकलीफ से साबित कर दो कि तुम अपने बाप की औलाद हो। अरे यार वो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे लिए उत्तर नहीं है। तुम अपने इमाम आजम भाई तकलीद करके ये साबित कर दो कि जिसको तुम अपना बाप है तो वही तुम्हारा बाप है। तेरा वाला बाप है, तू बता दो दलील की बात कर रहा है। अगर मेरे सवाल पे सवाल करोगे तो हम सवाल पे कौन सा सवाल करेंगे? पहले मैंने सवाल का जवाब देना सीखो, सवाल पे सवाल करना नहीं। तो मैं दे दो रहा हूँ। हाँ तो बताओ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए और तुम्हारे इमाम साहब कहते हैं कि 2.5 साल दूध पिलाए। इसकी क्या दलील है मुझे बता? अल्लाह की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे बताओ?
भैया मुझे बता दो नंबर, इसलिए मुझे भी डालना का डरदा बरेली, ये बता तेरा बाप तेरा है, इसकी क्या दलील है मुझे बता। भैया सीधी सी बात है, आपका ये दावा है कि आप इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हैं, तो अगर आप उनके मुकल्लिद हैं तो आपके इमाम का आप कहते हैं ढाई साल दूध पिलाएंगी माँ अपने बच्चे को, अल्लाह ताला कह रहे हैं दो साल पिलाएंगी। अब आपको फैसला करना है कि आप अल्लाह के मानोगे या अपने इमाम के मानोगे, तो जल्दी बताओ तुम्हारे नजदीक अफजल कौन है, अल्लाह सुभान व तआला या इमाम अबू हनीफा। मुझे ये बता तेरा बाप तेरा इसकी क्या दलील है। देखो सवाल पे सवाल करने लगा, अबे तू कर रहा सवाल पे सवाल, अब बिना मुझे बताया फाइल मिला गया। आवाम फैसला कर लेगी, तुम कितने बड़े मेरे भाई अंधे मुकल्लिद थे, अब हो गए गैर मुकल्लिद, अपने ईमान की बात को छोड़ दिया, शर्मानी चाहिए तुम्हें। देखो बच्चा जो रोने लगा तुम्हारी भूत और मक्कारी पे, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बच्चा जो रो रहा है वो तुम्हारे बच्चा है, इसको अपने ईमान के कॉल से साबित करो। अभी आज ये जो बच्चा रो रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा है, ये तुम मेरे भाई तकलीद करके साबित करो, अपने इमाम की तकलीद करो और इमाम का कॉल पेश करो कि जो बच्चा रो रहा है उसका बाप नासिर हुसैन बरेलवी है, चलो साबित करो, साबित करो कि वो तुम्हारा ही बच्चा रो रहा है, चलो साबित करो। क्या दलील है वो तुम्हारा बच्चा है, हो सकता है किसी और का बच्चा हो, तो तुम लोग तो मेरे भाई बाप को बात तभी मानते हो ना जब अपने ईमान ईमान भाई तकलीफ करते हो, तो बताओ मेरा तो भला हो ही गया लेकिन तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारे भला होगा भला आदमी भला कह रहे मेरे भाई इल्मी इल्मी अंदाज में बात करना सीखो, तो मैं सवाल करना कि तुम अपने बाप को औलादो साबित करो, ये तो मेरे बचकाने सवाल है। कौन से बचकाने सवाल है, अभी तुम अपने बेटे के बाप हो, तुम अपने आप को तो बाप साबित करो कि तुम ही उस बच्चे के बाप हो, पेश करो अपने ईमान का सवाल। मैं तो कुछ तो कुछ पूछ रहे हैं सवाल, हाँ तो पेश करो ना, बहाला कहीं होंगे। चलो तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक सवाल होते हैं, यानी कि रमजान के बाद जो ईद का महीना होता है, ईद वाले दिन के बाद से जो छह रोजे रखे जाते हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मकरूह हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम में कि सवाल के छह रोजे रखना चाहिए, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको पूरे साल के रोजे का सवाब देता है। अब आप ये बताइए नबी की मानेंगे या अपने इमाम अबू हनीफा की मानेंगे, जल्दी बताइए। बकबक करने लगता है, हालत टाइट हो गई, तेरी हो गई, तुमने अल्लाह को भी छोड़ दिया, अल्लाह के नबी को भी छोड़ दिया और अपने इमाम को माजल्ला अपना रब बना दिया। अच्छी बात है, सब सवाल के जवाब दूंगा। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, तुम्हारे जैसे जाहिलों के सामने जो मक्का के मुशरिक थे वही अपना आज की बिदती बरेलवियों का है, वो अपने इमाम को अपना अल्लाह मानते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कुरान सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 में, उन्होंने अपने उल्मा को दरवेशों को जोगियों को अपना रब बना लिया, तो तुमने अपने मसलक के इमाम को अपना रब बना लिया। ये सब क्या मेरे भाई, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या, मैंने तुम्हारे दावे का सवाल किया था, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद जब मैं दावा करूंगा तो मैं उसकी दलील दूंगा, तुमको मेरे भाई बात करने का उसूल भी नहीं पता है। उसूल ये है जिसका दावा होता है वो दलील देता है, दावा तुमने किया है कि तुम मुकल्लिद हो और मैंने तुमको साबित किया है कि तुम मेरे भाई मुकल्लिद हो ही नहीं, तुम तो मेरे तुम गैर मुकल्लिद हो, तू मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद हो, सवाल का जवाब दे तेरा बाप, भाई गैर मुकल्लिद हो ना तुम, दलील के बीच भागे आज मैं तेरा दलील तो आज तुमसे लेंगे ना, तुम्हारी हालत नहीं होगी, अबू जैद जमीर के नाम से झूठ बोलते हो, अपने इमाम के नाम से झूठ बोलते हो, अपने बरेलवी मसलक के नाम से झूठ बोलते हो, कितने बड़े मक्सार हो गए, मतलब जितने टेलर होते हैं बेचारे मेहनत से मेरे भाई कमाई करते हैं, दर्जी होते हैं, सिलाई करते हैं, और तुम दो गाड़ी जो टेल है इतने बड़ी मक्कारी करते हो, कौन सा दिमाग कौन सा बदबख्त है तुम। अच्छा ये बताओ औरतों का जो पेटीकोट मेरे भाई बनाते हो उसका रेट क्या है, एक पेटीकोट का नहीं बताओ ना, तुमको पहना के नचाएंगे ना, लड़ गई नजरिया, लड़ गई नजरिया, नजरिया लड़ गई नजरिया, तो भैया
अपने हाथ से पेटीकोट बनाना और मेरे भाई आराम से पहन के नाचना, है ना। भैया अबू जैद अमीर के नाम तुमने झूठ क्यों बोला? अभी बोलूँगा, अभी भेजूंगा उन्हें। ये दिखाऊंगा आपको, भेजे ना। मैं ऐसे मेरे पे डरता हूँ क्या? मेरी तरह नाम मुकल्ली तो क्या कि पीठ पीछे कुछ और बोलूँ सामने? हम डर से ही ना आए साले, तुझे पता ना। बलियों की शान में तोहिन करने वाले तुम, अल्लाह की शान में तोहिन करने वाले तुम, नबी की शान में तोहिन करने वाले तुम, सहाबा की शान में तोहिन करने वाले तुम, उलमा की शान में तोहिन करने वाले तुम। और आज आप तो ये सवाल करने कि तुम अपने बाप को औलाद हो, ये साबित करो। मतलब अब तुम लोग अपने बाप को साबित करवाओगे? तोबा तोबा। अबे तुम्हारा बेटा रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, बेटा है बेटी है, वो तुम्हारी औलाद है, तुम साबित करो अपने माँ के बोलते। कब बताओगे? कब बताओगे? अभी बताऊंगा, तू पहले मेरे को बताओ। चलो बता दो, बस बताओ, बात खत्म करो। बताओ की क्या दलील? बताओ बताओ। तू बहुत दलील की बात कर रहा है। बताओ ना, तू बता। अरे हम तो बताएंगे ना, लेकिन दावा तुमने किया है ना भाई। मैंने करा, मैंने भाई फंसी होने का, मुकल्लिद होने का दावा तुमने किया, तो तुम बताओ। ये बकबक करने की तो बात बुरी लगे। हालत ठीक हो गई? तुम कह रहे मेरे सामने दावा करने से पहले करो, ठीक है? ये दावा करना बहुत आसान होता है, दावा करना बहुत आसान होता है, करने में इंसान की हालत ठीक हो जाती है। मुझे तुझे पता नहीं क्या मतलब, बकरी की तरह अभी जब तुझे समझ में नहीं आया तेरे को क्या बोलना है, बस मैं तुझे अभी मतलब ना पता, तुझे मौत किस ना पता, तेरा मैं किस क्या? अरे हाँ भाई, सब तुमको ही पता है, तुम्हारे बाप एक नंबर के जाहिल थे, तो उनकी औलाद भी जाहिल है और तेरी भी औलाद है, सब मेरे पर जाहिल थी। मेरे यहाँ पैदा हुई है, क्योंकि जिसका बाप दादा जाहिल थे उसकी औलाद तो पक्का जाहिल होंगी। जाओ कपड़े बनाओ औरतों के पेटीकोट के, एक बार और सुनिए, ठीक है? तुम्हारी औकात नहीं है जाओ पढ़ने शरीफ मेरे भाई दर्जी बात नहीं करेगा जो दिन भर औरतों के मेरे भाई पेटीकोट और जो ये जो सूट और सलवार है वो सिलता है, वो हमको अभी बताएगा कितनी औकात हो गया तुझे? चलो भाई, तुम्हारे जो बच्चा रो रहा था वो तुम्हारे बच्चा साबित करो ना अपने माँ के बच्चे, तकलीद करके भी मेरे भाई अपनी औलाद को अपनी औलाद को साबित कर पा रहे हैं। ये है तकलीद की बरकत। मान तो बड़ा मुझे हो रहा है, बहुत ही जलील है। अब कॉल काट के भागेगा, अब कॉल काट के भाग जाएगा भाई। दलील दोगे तो बात करेंगे, वरना तो फोन काटना मजबूरी है ना। क्या दलील है बोल? हाँ तो दावा तो तुमने किया है ना। मैंने तो दावा करा, दे दलील। हाँ देखा, जिसने मान लिया कि इसने दावा किया है तो सारी हिम्मत जानती है, जिसने दावा होता है दलील होती है। चलो दलील दो, तुमने दावा किया है कि तुम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद हो, तो साबित करो मुकल्लिद हो। अरे यार उनकी बात हमारे लिए होती है, तू उनकी बात वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। एक बार एकदम आराम से फोटो हवाश में मुंह पे पानी की छींटे मार के थोड़ा अपने अकल का ढक्कन खोल के एक बार फिर से सोचिए। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि माँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए, और तुम्हारे माम कह रहे हैं कि 2.5 साल दूध पिलाए। अपने माम की बात मानोगी या अल्लाह की बात? किसी एक का नाम बता दो ताकि बात आगे बढ़े। आज कभी इस तरह पीछा ना छोड़ूंगा मैं। देखो बच्चा रो रहा है तुम्हारा, बच्चा भी देख रहा है, उसके बाद खत्म हो गया शौक तुम्हारा। आज के बाद तुम फोन करने से पहले 100 बार मैं तो रोज करूंगा, बीजेपी डाल दिया तो ब्लॉक तो कर ही देंगे। देखो तुम्हारे पास कोई काम धंधा है? कोई औरत आ गई दुकान पे, हाँ भैया इसकी आस्तीन छोटी कर दो, इसकी मोरी सही कर दो, तो तुम्हारे पास तो मेरे फालतू टाइम है। यहाँ फालतू टाइम नहीं है भैया, हम कोई औरतों के कपड़े भी सीखते हैं, ठीक है? जवाब ना दिया तो तेरे बाप फालतू टाइम ना। अभी ऑडियो डालूंगा ना, अभी देखो कितना सबसे पहले डालूंगा। देखो इसके बाजार बरेलवी बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। गैर मुकल्लिद हो तो तारीख पर चला ना दे, तो गैर मुकल्लिद से बिदत की तारीख पर, जब बिदत कर बिदत की तारीख पर आके। अब देखो बिदत पे भागा, हम कहीं नहीं तुमको भागने देंगे। आज तुम्हारी तुम पे पैर मार दिया, आज तुम फड़फड़ाओगे,
हमें इतना बता दो, अल्लाह ताला कहता है माँ अपने बच्चों को दो साल दूध पिलाए, तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि ढाई साल दूध पिलाए, तुम अल्लाह की मानोगे या अपनी माँ की मानोगे ये बता दो, फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। आप जय बार फोन करोगे, जवाब अल्लाह की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे? अल्लाह की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे? अबे यार बिदअत की तारीफ कर, अल्लाह की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे? बंदर की तरीका कभी तुम्हारे जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी जवाब नहीं दे पाओगे। हेलो अपू, इमाम की मानोगे या अल्लाह की? तेरा भला होगा, मेरा तो भला होगा, तुम्हारा तो तुम्हारे भला होगा। भाला अबे इमाम की बोल रहे हैं मेरे भाई, जवाब ही न देता खामा। अरे बताओ ना, अल्लाह की मानोगे या अल्लाह की नबी की मानोगे? अल्लाह की मानोगे या नबी की मानोगे या अपने इमाम की मानोगे? आपको जल्दी बताओ, बिदअत की तारीफ कर चल भाई, आज टॉपिक से नहीं भागने दूंगा, जल्दी बताओ। अबे बिदअत की तारीफ क्या है? टॉपिक से नहीं भागने दूंगा। अरे यार बताओ, बिदअत की तारीफ क्या है? अपने इमाम की मानोगे सुबहान तला की मानोगे दो साल वाला, पहले बताओ। अबे यार बिदअत की तारीफ कर दूंगा, बिदअत की तारीफ पहले। अरे भाई मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं अल्लाह सुबहान तला की मानूंगा, जो कुरान में आया है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 233 में, माए अपने बच्चों को दो साल दूध पिलाए, तो मैं अपने अल्लाह सुबहान तला की मानूंगा। ये होता है सच्चा पक्का ईमान। तेरी तरह नहीं है कि जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। अबे तूने हमें बिदअत कही ना, और तेरे इमाम ने खुद कहा है कि अगर मेरी कोई राय, मेरा कोई फतवा अगर वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के आड़े आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को ले लेना। तो मैं ये मानता हूँ कि मां अपने बच्चों को दो साल दूध पिलाए, लेकिन तू इतना बड़ा मेरे भाई मानेंगे अपने इमाम की बात भोग लिया, जल्दी बताओ। देखो अरे कहा लिखा भी जो तूने भोगा, ये कहा लिखा उन्होंने ये बता पहले, ये मालूम आ जाए इसको अंदर टकरा देगी मेरी बात को। मुझे कहा लिखा? अशरफुल हिदाया कौन सा हंसी की मोतबर किताब, जिसको बिना पढ़े कोई आलिम नहीं बनता। अरे कौन सी किताब? तू तो जा ही लेते, क्या पता होगा ये कौन सी किताब है, कौन सी किताब मिलेगी, कहाँ पढ़ी जाएगी है। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया, साबित हो गया। लिखा उन्होंने इमाम आजम को नहीं पढ़ा, कहाँ लिखा मुझे तो पता। माज़ल्लाह, इमाम की तकलीद करता और इमाम की दलील पूछता है, तोबा तोबा तोबा। अरे तो कहाँ लिखा उन्होंने ये तो बता दे, तू जो घूम रहा है मेरी, अगर उन्होंने पुराना लिस्ट मेरे पास डाला है तो ये वालों मालूम कहाँ लिखा उन्होंने ये तो बता दे। और तू अपने इमाम के कौन से पास दलील मांग रहा है, कहाँ लिखा है? किताब है जिसका नाम है अशरफुल अशरफुल हिदाया, ये हिदाया है और जो दूसरे मुख्तार है फतावा आलमगीरी है और ततरखानिया है, ये सब मेरे भाई फिका हनफी की मोतबर किताब है, जिनके पढ़े बिना कोई देवबंदी बरेली मालूम नहीं बन सकता। अरे जिल्द नंबर बताओ, सोफा नंबर बता, मैं भी चेक करके बताऊँ कहाँ लिखा उन्होंने। भाई अशरफुल हिदाया उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 222 पे उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक माँ अपने बच्चों को ढाई साल दूध पिलाएंगी। अब कौन सा सफा नंबर, कौन सा 222? बिल्कुल झूठ बोल गया, बिल्कुल झूठ बोल रहे तुमने। यहाँ पे क्या लिखा है 222 पे जरा पढ़ के बताओ। 222 तक तो है ना, 196 तक है, गामा वो किताब। अच्छा 196 तक है तुझे ये पता ना गामा, झूठ बोल रहा है। अबे कहता लेती था भाई, ये मोटी किताब है जिसमें 600 पन्ने हैं और 600 पन्ने में बता रहा है 192 पेज है। तौबा तौबा, हां हां बता। अबे बैन में पेश ना आया भाई, तेरे बाप दादाओं ने कभी नहीं देखी होगी, झूठ बोलना छोड़ दे। मेरे भाई किताब है छोटी किताब है की खाली 192 पेज है। इन पेज कौन कह रहा है, सफा नंबर कह रहा हूँ मैं, सफा नंबर पेज कह रहा है कि सफा नंबर खाली 192 तक है। ये पता ना सफा नंबर कैसे चला है, कैसे ना, हाँ कैसे चलता है सफा नंबर, मुझे तो ये बताना चाहिए। नहीं बताओ कैसे चलता है, तू बता कैसे चले।
कैसे चलता है बताओ। अरे चल जा कोलगाट से जो कुछ पता भाई, कोई किताब खोलोगे पेज नंबर 1, 2, 3, 4 वही तो सफर नंबर होता है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो हिदाया के सफर नंबर 224 उतरा हुआ है, और तू कह रहा है 224 मेरे पास सफर नंबर है, झूठ बोल रहा है तेरी बाजारू जुबान। नंबर भी बता डा दिया फिर तुझे थोड़ा सा मैं हालत टाइम करूंगा। पास है ना किताब, चलो जा उसका नाम पढ़ के बता। अरे सब बता दूसरा तेरे पास किताब मौजूद है, अभी देख अभी देख तू फोन करके भागेगा। हिदाया के ऊपर झूठ बोला, इसके पास है भी नहीं किताब और इसने झूठ बोल दिया ही नहीं। तो अब मैं इसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसके पास जो मेरी हिदाया है उसके राइटर कौन है, ये हमको उसका नाम बता दे। सुनी ना दिया तुझसे, सारे बकाया पड़ गया सारे बकाया पड़ गया। बस जल्दी बता, जल्दी बता, बता तूने पढ़ा या ना पढ़ा ये बता पहले, जल्दी बता फटाफट। पहले राइटर कौन है, उर्दू की किताब का नाम क्या है, राइटर कौन है, जल्दी बताओ। तेरा भला होगा, तूने सारे वाक्यों को भला होगा, तेरे भला होगा मेरी जान, तेरा भला हो गया है। तूने अपने बाप अप्पू खान के पास फोन किया है और आज से मेरा मसलक हो गया है अप्पू मसलक, आज से हनफी मसलक से तू खारिज हो गया है। तेरा एक ही मसलक है अप्पू मसलक, आज से अप्पू खान का मसलक जो कह देगा तुझे मानना पड़ेगा। तो आज से तू अप्पू के मसलक को फॉलो करेगा, ठीक है। यजीद लोग अंग्रेज की नजाइज वाला हालत आई तो उर्दू की चलो भाई, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, तो मानोगे या अल्लाह की बात को मानोगे बताओ। उर्दू की किताब का नाम पढ़ा गया शरे वाजिया, अरे शरे विकाया मेरे भाई, अब तुम जबरदस्ती वाकिया तुझे खुद नहीं पढ़ना आता है तुम, तू जाहिल हो सकती है ना। मेरा दावा मतलब ना पढ़ा, तुझे इंसान हूँ मुस्लिम होती है, तुझे हो गयी उनसे गलती हो गई, तमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से गलती हो गई, तो मेरे भाई हमसे भी गलती हो सकती है, गलती तो सबसे हो सकती है। अबे इसकी गलती करेगा तू, हैं क्या गलती करेगा तू जाहिल, अबे के तेरे गलती करेगा क्या, दस गलतियाँ करेगा तू, मुकल्लिद है मेरा, ठीक है, तू मेरा मुकल्लिद है, आज से तू मेरा मुकल्लिद है, मेरा मुकल्लिद है, आज से तू मेरी बात मानेगा कि माँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए, और ये जो तेरा इमाम है ना अबू खान, ये कोई मतलब अपनी अकल से फतवा नहीं दे रहा है, बल्कि कुरान की आयत से अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दे रहा है, ठीक है। हेलो मोहम्मद, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह आयत नंबर 233 में कि माँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाए, मैं तेरे से कह रहा हूँ कि माँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएंगी, 2.5 साल दूध नहीं पिलाएंगी, तेरा मातम बंद, आज से तेरा नया जो इमाम है मसलक का वो है अबू खान अलाबादी, ठीक है भाई। अरे काले तो पूला है, प्याल का पूला, अफगान तो क्या अलाबादी बरेलवी का, अरे ये बता तेरा मौकिस क्या है, तेरा तू मौकिस बता, तेरा तेरा मुनाजरा का तौकी निकालू आज, तेरा मौकिस क्या है, टाइट हो गई मौकिस क्या है तेरा, इतनी मतलब तेरे इतनी हिम्मत नहीं हुई, तेरा जो ईमान है इतना कमजोर है कि तू ये नहीं बोल पा रहा है कि भाई, मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे ईमान मैं ईमान की बात को छोड़ के बात ये तेरी जुबान से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तूने अपने ईमान को महसूस समझ लिया, तो ये सोचता है कि मेरे इमाम से तो गलती हो ही नहीं सकती, सारे वाक्यों को बढ़िया गंदा हो चुका है।